अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लियाकत। लियाकत, आप ये अभी क्या बना रहे हैं? ये खीर बना रहे हैं। खीर में क्या क्या डलता है? 30 किलो दूध और 2 किलो चावल। अच्छा, और ये डल चुका हुआ है? हाँ जी। उस तो बाद इन गाढ़ा करना है। नहीं, चीनी डाल दी। मैं दस लाऊंगा इन गाढ़ा करना है। जब कि तो गाढ़े हो जाएगा ना, फिर चीनी पानी। अच्छा, और उस वक्त तक ये चमचा हिलाते रहना है। बस 30 किलो दूध में 2 किलो चावल जी। तो ये कितनी हलीम बनेगी? 5 किलो बनेगी। अच्छा, ठीक है। इसमें खोया भी डलेगा मेरे ख्याल से। खोया, बादाम, पिस्ता, क्योड़ा भी चाहिए, सब कुछ, सब लाची भी, सब को आती बनानी। चले, ये तो हमें पता है। ये हलीम जरा आप शुरू करें ताकि हमें पता चले कि जो देगी हलीम बनती है। अगर बन गया तो फिर टेस्ट भी करवा दो, लेकिन अभी बनी नहीं। सब तो पहले प्याज पाओ ना, डालना शुरू करें ताकि हम देखें। आपके सामने देख ले, देख बिल्कुल खाली है। और इसमें ये घी डालना है। अच्छा, घी डालना। कितना डलेगा इसमें? 3 किलो। 3 किलो घी डालना जरूरी है कि तेल से भी काम चल जाएगा? दोनों में बन जाते हैं, दोनों जो अवेलेबल हो। अच्छा, कुछ लोग ऑयल की बनाते हैं, कुछ लोग घी की बनाते हैं। ज्यादा टेस्टी किसकी बनती है, ऑयल की या घी की? ये घी जमता है, ऑयल जमता नहीं। तो किस में बनानी चाहिए बताएं ना? दोनों से बनाओ। अब प्याज कितना डल रहा है? 1.5 किलो। 3 किलो घी। कटिंग अच्छी ना? और गोल क्यों काटा हुआ है प्याज को? गोल जरा खूबसूरत हो। वो जब हम खाते हैं तो हमने देखा होगा कि बीच में वो अदरक अदरक कितना मसाला बनाएंगे? साथ ही अदरक, साथ ही मिर्ची और लहसुन। अच्छा, ये इन्होंने ग्राइंड नहीं किया हुआ लहसुन? ग्राइंड मशीन में करेंगे। ये ग्राइंड पूरा एक ग्राइंड बनाने होंगे। कौन सी मशीन से करेंगे ग्राइंड? वो मुंडा देने के लिए गया। अच्छा, इसको अब आप फ्राई करना शुरू करेंगे? ठीक है। आग जलनी है नीचे? तो आग जलाएं ना ताकि ये चलना बनना शुरू हो। हाँ, हम इसको देखें तो सही कि ये इसमें क्या होगा। ये देखें जरा। और ये साले साले साला जात। सारा देखो, ये दालें हैं ना इसमें, खूबसूरत लग रही है। दाल, चिकन दाल, काली मिर्च, अजवाइन और मसूर की दाल। सही, इसका टेस्ट बनता है चिकन से। ये इसमें सिर्फ एक ही दाल डाल रहे हैं आप? ये दाल मूंगी की, मसर की दाल, दलिया, माश। अच्छा, दालें तो आ रहा है जी। ये वो दालें अलग है, वो आपने धुलवाई है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। वो कहाँ है? वो टब में पी है। वो टब में पी है, ठीक है। अभी हम आपको वो भी दिखा दें कि वो क्या पानी में भिगोई होगी ना? पानी में भिगोई हुई है दाल। बिल्कुल सही, थोड़ा पीछे। तो ये आग हमारी जो है वो जल चुकी है। ये जो घर में होता है ना, जब ये बन रहा होता है सारा कुछ, तो एक मखसूस बंदा होता है जो ये सारे अरेंजमेंट्स में उसको कर रहा होता है। वो कौन है? इमरान, आप करते हो? मैं भी करता हूँ। मैं भी करता हूँ। एक्चुअली सबकी ड्यूटी होती है। नहीं, ये सबकी ड्यूटी होती है। हम किसी मैं अम्मी के साथ जो ग्रोसरी वगैरह वो लानी होती है वो मैं ही लाता हूँ। और जब वो बनाती है अम्मी, तो उसके साथ मैं और मेरे भाई जुहेब भाई, हम दोनों उसको देख रहे होते हैं। और आपकी तरफ? हम बचपन से, हमारी दादू बनाती थी खीर। हम सब बहन भाई, कजन, चाचू के बच्चे, हम सारी रात चूल्हे के गिर्द बैठते थे। खीर बनती थी, सुबह उनको भर के वो बर्तनों में सुबह हम बांटते थे। और दलीम हमने कुछ सालों से बनानी शुरू की है। हम सब उसमें इस तरह फेरते हैं। अच्छा, बहुत यहाँ बिल्कुल, लेकिन ये बहुत पता क्या, दलीम हो या खीर हो, मेहनत एक ही चीज की है, चम्मच की। वो डिफरेंट टाइम में ना, आप लोग मुख्तलिफ तरीके से आके कोई ना कोई जिम्मेदारी से बैठा रहता है। अगर कोई उठ के भी जाए, इसका चम्मच चलाने का ही काम है। जहाँ चम्मच चलाने का ज्यादातर मैं ना कुंडो को, कुंडो की जब नियात बनाते हैं, खीर और बड़ी मजे की, और वैसे भी मुझे बड़ी पसंद है। बिल्कुल सही। तो ये हमने प्याज भी, अदरक भी, लहसुन साबुत और हरी मिर्चें जो है मोटी मोटी काट के वो इसमें डाल दी है। और अब इसको अब आपने ब्राउन करना है क्या? जी, ब्राउन करना। उसके बाद ना मसाले सारे डालेंगे। कितनी देर लेगा? 5-10 मिनट। उसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे? काली मिर्च, पिसा धनिया। ये सारे साबुत साबुत ही डल जाएंगे? ये गूंदने थोड़े।
ग्रैंड ग्रैंड हो गए। अच्छा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पीसा धनिया, अजवाइन, नमक। और ये भी, ये जो गरम मसाला है ये भी आप ग्रैंड करेंगे? ये वाला सारा सारा तो फिर इसका क्या फायदा? चिकन डालेंगे। अच्छा, चिकन कितना है हमारे पास? 10 किलो 10 किलो 10 किलो चिकन है। और कितना दाल डल रही है? 22 किलो 22 किलो 22 किलो दाल, दाल का पूछ रहा हूँ। 12 किलो 12 किलो दाल भी 22 किलो हो गई ना। 10 किलो में क्या क्या है? किसमें दाल? दाल में मतलब कितनी, कौन सी दाल है? चने की दाल, चने की दाल, माजी दाल, मसूरी दाल, दलिया। दलिया, दलिया जौ का है कि खाली गंदम का है? गंदम, खाली गंदम, जौ नहीं डालते। अच्छा, तो इन सब चीजों की बराबर मिकदार है कि कोई ज्यादा है कोई कम है? नहीं, पूरी 1 किलो 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 सारी दालें। 8 किलो चने की दाल, 8 किलो चने की दाल, चने की दाल ज्यादा होती है ना मेजर। 8 किलो चने की दाल है, बाकी मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और दलिया, गंदम का दलिया, ये 1-1 किलो और 8 किलो जो है वो चने की दाल। अच्छा, और उसमें कितना चिकन डलेगा या बीफ डलेगा? अगर बीफ का बनाए 10 किलो 10 किलो। अच्छा, और ये बीफ अगर डालना हो तो भी यही तरीका होगा? अगर बीफ की लीम बनानी हो तो चिकन की है ना, वो उसको पहले गलाना है। बीफ को पहले गिला लेना है? चिकन, चिकन तो नरम होता है। हाँ, तो बीफ को पहले गिला लेना है और गलाने के बाद डालना है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये घर में जब हलीम बनाए तो वो क्यों नहीं इतने मजे की बनती? मैंने असल मामला जो है वो ये। हाँ, अच्छा, वो आजकल घर में वो होता है हमारे पास ब्लेंडर? नहीं नहीं, ब्लेंडर आ गए बड़े बड़े, मगर वो जो इस हाथ का टेस्ट है ना, वो आता है उससे टेस्ट नहीं बन पाता। कुछ लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सही। तो ये जब तक ये कर रहे हैं इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और अपनी बाकी चीजें जो है यहाँ पर लेकर आते हैं हम। मेरा ख्याल अंदर चलते हैं, यहाँ पे बैठ कर न्यास पे ही आपने बैठना है और साथ बैठ के बातें करनी है। ठीक है जनाब, हम यहाँ पे इसे हलीम महाराज तैयार हो गए। हमने चूठियाँ बनाई, ऑडियंस ने हमारी जो है हमने उनमें न्यास बांटी है। ये हलीम जो है ये तैयार है लियाकत अब? जी, बस ये इस तरह घुटने से घुट जाएगी जी। वो ये 6-7 बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, वो जो घोटे वाला सीन था वो खत्म? हाँ जी, खत्म। अच्छा, तो अब ये मुझे बताना कि क्या एक दफा फिर सारी चीजें, क्योंकि खुशबू बड़े मजे की आ रही है। अच्छा, गरम मसाला कितनी क्वांटिटी में डाला है? 1 पाव 1 पाव गरम मसाला, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम काली मिर्च, मिर्चें कितनी लाल? 1 पाव 1 पाव लाल मिर्च, नमक 1/2 किलो 1/2 किलो नमक और 1/2 पाव हल्दी 1/2 पाव हल्दी और 1/2 पाव पीसा धनिया 1/2 पाव पीसा धनिया ये मसाले हैं जो डले। अच्छा, अब मुझे शुरू से बताएं कि आपने ली थी 8 किलो चने की दाल जी, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो माश की दाल, 1 किलो जो है वो मसूर की दाल और 1 किलो गंदम का दलिया जी। ठीक है, चने की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल को आपने भिगो के रख दिया इकट्ठे, 1/2 घंटा 1 घंटा भिगोना है, 1 घंटा भिगोना है कम से कम। यहाँ पर हमने सबसे पहले प्याज डाले थे घी में जी। कितना प्याज था? 1.5 किलो 3 किलो घी में 1.5 किलो प्याज डाला। साथ लहसुन कितना था? 1 पाव लहसुन। अदरक कितना था? 1 पाव 1 पाव अदरक। और हरी मिर्चें कितनी थी? 1/2 किलो 1/2 किलो डाल के उनको अच्छी तरह से थोड़ा सा भूना, जब प्याज हल्के हल्के ब्राउन हुए जी, भून के तो फिर चिकन डाले, फिर चिकन डाल, कितना चिकन था? 10 किलो 10 किलो चिकन था, हड्डियों समेत डाल दिए, वो डालकर उसको थोड़ा सा भूना, भूना फिर पानी डाल दिया। पानी कितना डाला? 30 किलो 30 किलो पानी डल गया। पानी डालकर फिर उसको हमने उसमें जो अपनी चने की दाल, माश की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल जो 1 घंटे से भिगोई हुई थी वो डाल दी, वो गल गई। हाँ, गल गई तो उसके बाद दलिया ते मसूर की दाल को, दलिया और मसूर की दाल को कितनी देर भिगोना है? हाँ जी, कितनी देर भिगोना है? 5-10 मिनट 5-10 मिनट वो रख दिया, वो डाल दी। अच्छा, फिर उसके बाद कितनी देर पकाया? 1/2 घंटा कितनी देर पकाया? 1/2 घंटा 1/2 घंटा 1/2 घंटे में जब वो पक गई फिर उसके बाद मसाले कब डाले? गरम मसाला। हाँ, जब की तो इसको घोटना है, जब घोटना शुरू किया तब वो गरम मसाला जो कि 1 पाव गरम मसाला है और कितनी काली मिर्च है? 100 ग्राम 100 ग्राम काली मिर्च है, उनको ग्राइंड करके अच्छी तरह वो डालकर तो इसको घोटना शुरू कर दिया। और ये अभी जारी है घोटना, कैसे पता चलेगा कि अभी घोट गई है? दाना खत्म हो गया। अच्छा, और हड्डियाँ किधर गई? हड्डी नीचे, हड्डी नीचे। और अगर बीफ होगा तो वो हमने उबाल के डाला हुआ है। बिल्कुल, चलिए अब आप निकालें, बिस्मिल्लाह करें इसको ताकि हम अपनी। कितने लोग खा सकते हैं ये? कितना किलो बनी? 22 किलो है,
दो ढाई सौ बंदा खा सकता है, 250 बंदा ये खा सकता है। चावलों के भी साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर न्याज समझ के खाएं अगर ऊपर इसको रख कर अगर छोटा कर दे। वैसे चावल नहीं डाले आपने इसमें, लोग चावल भी डालते हैं लियाकत साहब। हो जाएगी उससे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डालना चाहे तो डाल ले, एक पाव अगर आप डालना चाहे तो फिर इसमें पकानी किलो डालना। अच्छा आपने एक किलो डाल दी, नहीं जितनी आपने क्वांटिटी बनाई है इतनी उसमें, ठीक है एक किलो ठीक है। सो ये घुट गई जी हलीम, ये टिपिकल आवाज उसकी। मैंने डाले एक मिनट बिस्मिल्लाह करने के लिए, हमेशा जो घर में जो खातून होती है ना उसको सर पे दुपट्टा लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उसको वो करना होता है। एक एक बॉल पकड़ कर हम अंदर चलते हैं। बोल सर मुझे विकास ले लो इधर अब देखो आपका हाथ ना ना जल्दी हारो सुन वैसे ना ठीक है सही चले जी चले। ये हमारी तरफ से मोहब्बत की अकीदत की और प्यार की एक न्याज है, अल्लाह ताला कबूल करे आमीन। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन सलामती सुकून खुशहाली, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा हौसला हिम्मत और ताकत दे आमीन। शुक्रिया फरा, ये फरा ही होगी नहीं ये सायरा, अच्छा सायरा थैंक यू। अच्छा जी सो अब ये हमारे हलीम जो है तैयार, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है लियाकत साहब, ये खुशबू का ही वजह सीक्रेट क्या है? ये सब्ज़ इलायची। हाँ सब्ज़ इलायची तो आपने बताई नहीं कितनी डाली है इसमें, 10 ग्राम डाली, 10 ग्राम डाली है। और वो कब डाली है जो आपने प्याज और वो डाला है उसमें सब्ज इलायची साथ डाली है साबुत 10 ग्राम और उसके बाद ये सारा पकता रहा। चले आए हम चलते हैं अब चलकर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया मेहरबान जजाक अल्लाह। अच्छा जी सो अब हमारा अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आपने शुरू किया वकास, सो आप लोगों को खीर कैसी लगी थी? आपने खीर ट्राई की है ना, खीर अच्छी बनी हुई थी? घर में जब आप लोग बनाते हैं तो ऐसी बनती है? इनमें से कोई भी बनाता होगा, कोई भी नहीं बना। अच्छा आपकी मदर बनाती है। चलें ये हलीम भी हमारा जो है वो आपके सामने तैयार हुआ है, लेकिन बहुत तेज खुशबू में बड़े मजे का लग रहा है और उन्होंने गिन गिन के हर चीज रखी हुई है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज डली है। कलर भी बहुत अच्छा है, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत देखने में। मगर बात तो ये जो मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप ये बनाने वाली की नियत पे होता है या क्या होता है कि इसका जायका ही फर्क होता है। बिल्कुल और इसकी खुशबू देखिए। हाँ आप घर में समझते हैं हम बड़ा धो धा के बड़ा नीट एंड क्लीन बड़ी खालिस चीज़ों के साथ बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें बना रही हैं, लेकिन उस तरह का टेस्ट नहीं आता जो कि अपनी मदद आपके तहत। अच्छा इंतजार ये यार उसको बाउल को आप इस तरह तो नहीं छोड़ना ना, आप लेते रहे और कैसी होनी चाहिए? चलो अच्छी है, बहुत अच्छी ना, चलो बहुत ही अच्छी है। हालांकि इसमें कोई आर्टिफिशियल मसाला नहीं डला, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डली जैसे हम घरों में अक्सर डाल देते हैं, मगर उसका जायका उसका टेस्ट स्पाइसी है लेकिन अच्छी है, मजे की है, बहुत मजे की। वाओ आप चख के बताएं कि कैसी है। आपका नाम क्या है? सना। सना सना कैसी है? आप घर में बनाती हैं हलीम? हां मैं बनाती हूं लेकिन वो इस टेस्ट की नहीं है ना, घर में ऐसे नहीं बनती, इस टेस्ट की नहीं है। ठीक है सो हलीम या दलीम जो भी आप इसका नाम रखें, मुझे यकीन है कि इन दिनों में आप दलीम इन दिनों में आप बनाएंगे तो ये जो हमने आपको रेसिपी बताई है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा न्याज के साथ साथ थोड़ा सा जिक्र का सिलसिला जो है उसे भी आगे बढ़ाते हैं ना, तो आओ बैठ के अब आपकी बारी है शुजा, तो कुछ आप हमें सुना रहे फरा आपका भी वो है जी, छोटे से लेसन होते हैं फरा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरी माँ ने हमें बचपन से एक बात बार बार वो कहती होती थी, पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन की,
अच्छा, आज तक पानी खुला हो किसी जगह या पानी ज़ाया हो रहा हो किसी जगह, तो मेरी जान निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए कि मुझे वो याद आना, आपने जब सुना होता है, जब आपके अंदर वो डाला गया होता है कि आपने रिलेट करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। जब भी मैं किसी तकलीफ़ का जिक्र करती थी ना कि मेरे साथ ये हो गया, उसने ये किया, उसने वो किया, एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे ना एक चीज़ ज़िंदगी में बताई, और आज तक मैंने मुड़ के नहीं किसी, उन्होंने मुझे कहा कि याद है आले बैत का सफ़र कितने थे, कौन थे, करबो बला याद है, किस किस ने आंखें फेरी थी, क्या क्या हुआ था, कौन कौन नहीं पहुंचा था, किस किस ने जुल्म और सितम ढाए थे। तुम्हारी तकलीफ उससे ज़्यादा है, तुम्हारी आजमाइश उससे बड़ी है, तुम्हारी इब्तला, तुम्हारा कर्ब, तुम्हारा गम जो है उससे बड़ा है। तो अगर वो हस्तियाँ वो सहती हैं, वो सब्र का नमूना, वो हमारे सामने एक लेसन पेश करती हैं, तो आपकी औकात क्या है, आप कैसे नहीं उस चीज़ उस रास्ते पे चल सकते। आप यकीन करें फरा कि भले हमारा हम उस तरह से नहीं है कि जिन्हें आप कहें, लेकिन मेरे नाम के साथ जो हुसैन लगा था दैट वॉज विद लव, वो ये नहीं था कि वो हुसैन मैंने, और आज तक मेरी नस्बत में था, और आज तक मेरी जुर्रत नहीं हुई लिखने में, फरा सादिया लिखा जाता है, मैं लिखती हूँ, लेकिन कोई मुझसे आज भी पूछता है कि आप कौन हैं, तो मैं कहती हूँ मैं फरा हुसैन, क्योंकि वो उस हुसैन को अपने साथ से उतारना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सो मेरी ज़िंदगी का जिसे कहते हैं इश्क, और मेरे लिए ज़िंदगी का एक रोल मॉडल वो अहले बैत और हुसैन, ये मेरे लिए एक वो मीनारा है कि जैसे आप पे कोई भी आजमाइश आती है और आप वहाँ देखते हैं ना, तो आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा हर दौर में यजीद आएगा, हर दौर में शिमर आएगा, हर दौर में कूफा वाले होंगे, ये मेरे कूफा वाले ये हैं, मेरा शिमर ये है, मेरा यजीद ये है, और मेरा रास्ता ये है। सो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को चूज़ करते हैं, अपना ख्याल रखिए और रिलेट कीजिए इन सदाकत की, हक की, इन मिसालों के साथ, इन शुजात के अलम्बरदारों के साथ जो हमारे सामने, हमारी ज़िंदगियों में और हमारे दीन में हमारे सामने हैं।